दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। इस वीडियो में मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित पाठ्यक्रम के माध्यिका एवं बहुलक टॉपिक्स को कवर करूंगा। इसके पहले और बाद के टॉपिक्स को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों आपके फोर्थ सेमेस्टर में एक टॉपिक दिया गया है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि आंकड़े किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा डेटा जो कि किसी रिजल्ट पर पहुंचता है उसे आंकड़े बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो जनसंख्या की गणना की जाती है, तो जब हम जनसंख्या से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद से उसके आधार पर हम लोग रिजल्ट्स निकालते हैं कि इन 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, या फिर महिला या फिर पुरुष की साक्षरता अनुपात कितनी है, या फिर इससे आधारित अनेक रिजल्ट्स हम लोग निकालते हैं। तो कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा जो किसी रिजल्ट्स पर पहुंचता है उसे आंकड़े बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आंकड़े आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए दोस्तों, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। देखिए वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, जब कोई भी ऐसा डेटा जो एक निश्चित फॉर्म में अरेंज किया गया हो, यानी कि किसी वर्ग से वो रिलेटेड हो, किसी एक ही टाइप के डेटा को वो शो कर रहा हो, तो वो वर्गीकृत आंकड़ा होता है। लेकिन अवर्गीकृत आंकड़े किसे बोलते हैं, जब कोई भी डेटा किसी निश्चित फॉर्म में ना हो या फिर किसी निश्चित क्रम में ना हो, तो उसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। आपको जो सिलेबस में दिया गया है अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में ही पढ़ना है और इन्हीं की माध्यिका और बहुलक के बारे में ज्ञान अर्जित करना है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि माध्यिका किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा आपको हिंट मिल रहा होगा, माध्यिका यानी कि मध्य का अंक। जब भी कोई सीरीज आपको दी रहेगी, कोई भी सीरीज दी गई है अंकों की, जैसे मान लिया 2, 5, 6, 8, 9, 3 ऐसा कुछ भी सीरीज दिया रह सकता है, ठीक है। इन सीरीज को सबसे पहले आप व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने के बाद से बीच का अंक कौन सा होगा वहीं इसकी माध्यिका बोली जाएगी। यानी कि कोई सीरीज दिया गया है, उस सीरीज में जो अंक बीच का होगा यहीं उस सीरीज की माध्यिका कही जाएगी। और बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको, बहुलक यानी कि बहु मीन्स होता है एक से ज़्यादा, यानी कि ऐसी कोई संख्या जो सीरीज में एक से ज़्यादा बार, या यूं कहें कि मैक्सिमम बार जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, उसे हम लोग बहुलक बोलते हैं। जैसे आप सीरीज को ध्यान से देखिए, 2, 2, 5, 7, 2, 3, 2 इस सीरीज में देखिए, यहाँ पर दो की बारंबारता देखिए, एक बार दो आया है, दो बार आया है, तीन बार और चार बार आ रहा है आया है। इस सीरीज में दो जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि चार बार रिपीट हुआ है, तो इस सीरीज की बहुलक क्या बोली जाएगी, दो बोली जाएगी। यानी किसी सीरीज में जो अंक या फिर जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वहीं उस सीरीज का बहुलक बोला जाता है। और माध्यिका मध्य का अंक, यानी कि इस सीरीज को किसी व्यवस्थित क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में हम लोग जब सजा देते हैं, तो बीच का जो अंक होगा वह उसकी माध्यिका बोली जाएगी। अब एक बार देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कक्षा 6 के 5 विद्यार्थियों का भार आपको किलोग्राम में दिया गया, जो कि है 49, 55, 43, 47 और 52, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस आंकड़े की माध्यिका क्या होगी। तो पहले मैंने आपको बताया कि आंकड़े की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसको व्यवस्थित करना होता है। किस क्रम में, या तो आप आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, दोनों में व्यवस्थित कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित कर रहा हूँ। सब बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर देखिए 43 सबसे छोटा है, उसके बाद से आप देखें 49, उसके बाद से 52 और फिर 55 और लास्ट में आपका आएगा 57। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल 5 आंकड़े हैं और इस सभी नंबर्स के बीच का अगर नंबर मैं निकालूं तो बीच में कौन सा आ रहा है, 52 आ रहा है, ठीक है। बीच में 52 आ रहा है, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। यानी कि अगर आपका यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर अंकों की संख्या सिर्फ 5 है, तो यहाँ पर आप देख करके इसको डिसाइड कर पा रहे हैं। लेकिन मान के चलिए कि अगर यहाँ पर अंकों की संख्या 5 ना होती, यानी कि किसी कक्षा के 100-150 अभ्यर्थियों का भार दिया गया था, और उस कंडीशन में आप सिंपली देख करके बीच का अंक नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वह विषम है, यानी कि n की जब वैल्यू विषम होगी
यन की वैल्यू विषम होगी। यन क्या है, यन है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने आंकड़े इसमें आए हैं या फिर कितने विद्यार्थियों की बात की जा रही है। यन जब विषम होगा तो माध्यिका का जो सूत्र होगा वह क्या हो जाएगा, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वा पद। अब इसका मतलब क्या हुआ, एन इस आंकड़े में कितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ देंगे और दो से भाग दे देंगे और वो वाला जो पद आएगा वहीं उसकी माध्यिका होगी। अब इसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, एक दो तीन चार पाँच, एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी पाँच प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वा पद। अब देखिए पाँच एक छः में से दो से भाग देंगे तो तीन आएगा, यानी कि तीसरा पद जो होगा वह इसकी माध्यिका होगी। यहाँ से गिनेंगे आप एक दो तीन, तीसरा पद आपका देखिए वैसे भी उत्तर 52 आ रहा था। यानी कि जब n की वैल्यू विषम होगी तो आप ये सूत्र लगाएंगे, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वा पद होगा, यानी कि इस तरीके से आपका तीन उत्तर आएगा, पहला दूसरा और तीसरा, ये वाला पद आपका माध्यिका होगा। अब बात करेंगे जब n की संख्या सम होगी। यहाँ पर देखिए जब n की संख्या सम होगी तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो n बाई टू यानी कि जो सम संख्या टोटल रहेगी उसमें दो से भाग दे देंगे वा पद प्लस n बाई टू प्लस वन वा पद। यहाँ पर देखिए ये बट्टे के बाद प्लस लगा हुआ है, आप इस पर प्लस नहीं लगाएंगे, ये बट्टे के पास बाद प्लस लगा हुआ है। और ध्यान देंगे कि ये अगर मान लीजिए n की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, पांचवा पद की बात हो रही है, यानी कि उस सीरीज में पांचवा पद कौन सा आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। इसी प्रकार से n की वैल्यू अगर उदाहरण के तौर पर मानिए 10 है तो यहाँ पर 10 बट्टे 2 यानी कि 5 प्लस 1 यानी छठवां पद लिखेंगे, 6 नहीं होगा, छठवां पद कौन सा आएगा। अब एक बार उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्यालय की बास्केटबॉल की टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्न प्रकार से हैं, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका क्या होगी। यहाँ पर 10 मैचों में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो ये हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि माध्यिका निकालने समय सबसे पहले हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे, चाहे आप आरोही या फिर अवरोही क्रम में इसको लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूँ। अब देखिए आरोही क्रम में यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद से उससे बड़ा, उसके बाद से इसी तरीके से हम व्यवस्थित करते जाएंगे, तो आप ऐसे देख सकते हैं पूरा सीरीज। उसके बाद से 11 आएगा, फिर 12, फिर 13, फिर 19, उसके बाद से 20 और लास्ट में 22, ठीक है। अब देखिए अब ये आंकड़े व्यवस्थित हो चुके हैं आरोही क्रम में। अब इस सूत्र से रखेंगे तो nवां पद, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10 है, यानी कि 10 बटे 2 बराबर पाँचवां पद। अब देखिए इसमें पांचवा पद कौन सा है, एक दो तीन चार पाँच, यानी कि 11, पांचवा पद यहाँ से 11 हो गया, प्लस फिर देखिए n बाई टू, n की वैल्यू 10 है तो यानी 10 बटे 2 यानी कि 5 प्लस 1 यानी छठवां पद। अब देखिए फिर से छठवां पद कौन सा होगा, एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि 12 डिवाइडेड बाई, नीचे 2 था तो हमने 2 से भाग दे दिया, यानी कि 11 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें भाग देंगे तो 11.5 आएगा, ये आपका माध्यिका होगी इस सीरीज की। देखिए दोस्तों अब एक नए टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए ये पद दिया गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और बारंबारता नीचे दी गई। बारंबारता का मतलब ये होता है कि अगर 2 वाला जो पद है वो 3 बार इसमें आया हुआ है, 2 का पद कितनी बार आया, 3 बार आया हुआ है, और 4 वाला जो पद है वो 2 बार आया हुआ है, इसी प्रकार से 6 वाला पद 2 बार आया है और 8 वाला पद 4 बार आया है, ठीक है। अब अगर आपका इस तरीके से बारंबारता बंटन नहीं दिया गया रहता तो आप इसको व्यवस्थित करके और फिर बीच वाले पद को ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर कई बार रिपीट होने की वजह से, बारंबारता मतलब ये होता है कि वो संख्या उतनी बार रिपीट हो रही है, तो अब इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता बनानी होगी। अब संचयी बारंबारता कैसे बनती है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए पद आपको जो दिया गया था, पद वाले में आप नीचे लिखते जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 पद थे, ठीक है। अब देखिए बारंबारता वाले को आप यहाँ पर लिखते जाएंगे 3, 2, 2, 4, 3, 1 और 2, ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, पहले वाले पद को इसी प्रकार से उतार देते हैं। यहाँ पर देखिए बारंबारता वाले की बात मैं कर रहा हूँ, 3 लिखा गया है तो संचयी बारंबारता वाले कॉलम में पहले हम लोग 3 लिख देंगे। अब देखिए अब इस 3 को यहाँ पर तिरछे देखिए, यहाँ पर इस 2 में जोड़ेंगे और इसके नीचे वाले में जोड़ेंगे और उसको इस 3 के नीचे लिखेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इस 5 वाले को इसके नीचे वाले में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5 और 2, 7 आएगा। अब इस 7 को इससे नीचे 4 में जोड़ेंगे यानी 11 आएगा, 11 को इससे नीचे जोड़ेंगे 14 आएगा,
14 को इससे नीचे जोड़ेंगे 15 आएगा, और 15 को इस सबसे नीचे में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है। और उसके बाद से संचयी बारंबारता जब आप जोड़ लेंगे पूरा, तो जो अंतिम पद आता है 17 जो आएगा, वो इन सभी को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी आपका 17 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिए वहां पर हम लोग n से डिसाइड करते थे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां पर n क्या होता है, जो बारंबारता होती है, वहां पे n क्या होता था, पदों की संख्या। अब अगर इन सभी बारंबारताओं को जोड़ लें तो हमको पदों की संख्या मिल जाएगी, यानी कि n सभी बारंबारताओं को जोड़ना है, ठीक है। n बराबर यहाँ पे 17 दिया गया, जो कि एक विषम संख्या है, और विषम संख्या के लिए हमने अभी सूत्र देखा था कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वा पद, ठीक है। ये किसके लिए था, विषम के लिए, और यहाँ पर 17 विषम है, इस वजह से देखिए n की वैल्यू हम लोग 17 रखेंगे। 17 प्लस 1 यानी 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9वां पद, यहाँ पर आपका माध्यिका कौन सा आ जाएगा, 9वां पद। अब देखिए डिसाइड कैसे होगा कि 9वां पद किस में आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये डिसाइड ये कर रहा है, 3 ये बता रहा है कि यहाँ तक तीसरा पद है, ठीक है, और 5 ये बता रहा है कि यहाँ तक पांचवा पद हो चुका है, इसी प्रकार से 7वां पद यहाँ तक हो चुका है, और यहाँ तक 11वां पद हो चुका है, यानी कि 7 के बाद वाले में ही आपका 9वां पद मिलेगा, यानी कि इस वाले में। और ये वाला जब आप देखेंगे, इस वाले में ये पूरा लाई कर रहा था, और जब आप इसको देखेंगे तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये संख्या डिनोट कर रहा है आपकी 8 को, यानी कि इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी आपकी 8। देखिए यहां से हम लोग संचयी बारंबारता से ये डिसाइड करते हैं कि 9वां पद आपको जैसे बोल रहा था, तो यहां पर रेंज देखिए 7 के बाद वाले में 9 आएगा, यानी कि इस वाले 11 वाले में 9वां पद लाई करेगा। अब 11 किससे आ रहा था, यहां पर आप पद वाले में जाएंगे तो पद आपका 8 दिखा रहा है, यानी कि 8वां जो होगा पद जो होगा, 8 पद जो होगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपको 8 देना है। अब ये वाला प्रश्न देख लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पर देखिए निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका आपको निकालनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया, लेकिन यहां पर n की वैल्यू सम आएगी, सम वाले कंडीशन में हम लोग को कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखिए फिर से आपको संचयी बारंबारता की सारणी बनानी होगी, जिस तरीके से हमने पिछली बार बनाया था, और उसी तरीके से बिल्कुल प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर जो पद था वही आयु डिनोट कर रहा है, यानी कि यहां पर मैं लिख रहा हूं पद, ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी शिक्षार्थी, यानी कि ये बारंबारता को शो कर रहा है, ठीक है, बारंबारता को शो कर रहा है, और ये यहां पर संचयी बारंबारता हो गया अंत में, ठीक है। अब देखिए पद कौन कौन से हैं आपके, 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। इसी प्रकार से आप बारंबारता देखेंगे तो 4 5 4 6 5 4 और 2, ठीक है। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे बताया था मैंने आपको, सबसे पहले वाला बारंबारता में जो होता है अंक, उसको हम लोग संचयी बारंबारता वाले कॉलम में पहले उतार देते हैं। यहाँ पे 4 था तो मैंने 4 उतार दिया। अब देखिए इस 4 को इससे इस वाले के नीचे वाले पद में जोड़ देते हैं, यानी 4 5 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब इस 9 को इस वाले पद में जोड़ देंगे, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इस 13 को 6 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 19, 19 को 5 में जोड़ देंगे ये हो जाएगा 24, 24 को 4 में जोड़ेंगे तो ये 28, और 28 को 2 में जोड़ेंगे तो ये 30, और ये जो अंतिम पद आता है 30 आ रहा है, ये जब आप इसको बारंबारता को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 30 ही आएगा, ये फिक्स होता है, यानी कि यही आपकी n की वैल्यू होती है जो कि आपका 30 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 30 जो कि सम को डिनोट कर रहा है, तो सम वाले बारंबारता में हम लोग माध्यिका का सूत्र क्या लगाते थे, तो माध्यिका का सूत्र ये होता था कि n बाई 2 वा पद, ठीक है, n बाई 2 वा पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 वा पद डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 30 बटे 2 यानी कि 15वां पद। इसमें देखिए 15वां पद किस में आएगा, यहाँ पर रेंज देखिए, यहाँ पर रेंज देखिए 13 के बाद वाले में आएगा, यानी कि इस वाले रेंज में, चौथे वाले रेंज में, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर देखें तो ये आएगा आपका 15 वाले सीरीज में, ठीक है, ये वाला रेंज। तो आपका कौन सा था, n का मान 30 था, तो 30 बटे 2 यानी 15वां पद इस वाले में आ रहा था, यानी कि 15वां पद कौन सा होगा आपका, 15 हो जाएगा, ठीक है।
प्लस एन बाई टू, यहाँ पर देखिए एन का मान मैंने 30 रखा, यानी कि 30 बटे दो यानी 15 प्लस एक, 16वां पद इस वाले रेंज में आएगा, 16वां भी इसी में आएगा 19 वाले में, तो यानी कि इसका पद भी आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको आप जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 15, यानी कि इस बारंबारता बंटन का जो माध्यिका होगा वह आपका क्या होगा 15 हो जाएगा, आपका उत्तर 15 सही हो जाएगा। अब एक बार बहुलक पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की आयु दी गई है, ठीक है, ये सभी आयु हैं विद्यार्थियों के वर्षों में, ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुलक क्या होता है, कि किसी सीरीज में, यहाँ पर आपको कोई भी आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करना है, बहुला का मतलब सिर्फ ये होता है कि कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार किसकी पुनरावृत्ति होती है, वहीं आपका बहुलक होता है। तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 को देखिए, एक बार यहाँ पर 13 आया हुआ है, एक बार यहाँ पर आया हुआ है, उसके बाद से एक बार यहाँ पर आया हुआ है और एक यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि 4 जो है वह 13 4 बार रिपीट हुआ है और ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। इसके बाद जब आप देखेंगे तो 12 को आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 12 3 बार रिपीट हुआ, उसी तरीके से सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वहीं आपका बहुलक होता है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न में आता है मैथ के पेपर में, तो आप सिंपली ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले बारंबारता बंटन बनाना होगा, उसके बाद ही आपको इसको हल करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे कर देंगे तो 2 नंबर के प्रश्न में आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखिए आपको करना कैसे है, यहाँ पर सबसे पहले आप बारंबारता बंटन बनाएंगे और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आयु दिया गया है, आयु किस में दिया गया, वर्षों में, ऐसे आप लिखेंगे और नीचे उसकी बारंबारता लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए टोटल कितने अंक हैं, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये टोटल अंक हो रहे हैं 5, तो आप यहाँ पर 5 कॉलम बना लेंगे। देखिए ये 5 कॉलम हो गया, आपका कौन कौन सा टर्म था, 11 था, 12 था, 13, 14 और 15। अब देखिए 11 के नीचे बारंबारता लिखनी है, यानी कि वह कितनी बार रिपीट हुआ, तो आप इस सीरीज में देखेंगे 11 कितनी बार आया, तो देखिए 11 आप देखते जाइए, यहाँ पर देखिए 11 सिर्फ और सिर्फ एक बार आया हुआ है, तो 11 के नीचे हम लोग 1 लिख देंगे। अब इसी प्रकार से 12 आप देखिए कितनी बार आया हुआ है इस सीरीज में, तो यहाँ पर देखेंगे आप 12 तो एक बार, ये 2 बार और उसके बाद से 3 बार, तो यहाँ पर 12 के नीचे आप 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से 13 देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सर्किल कर रखा है, 13 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। इसी प्रकार से 14 देखेंगे तो 14 2 बार आया हुआ है और 15 देखेंगे तो वो भी 2 बार आया हुआ है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है वह आपकी बारंबारता होती है, तो यहाँ पर देखिए इस वाले कॉलम में यहाँ पर देखिए 13 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, 13 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन किसकी है, 13 की है, तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा आपका 13। इस तरीके से आपको उत्तर देना है, इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर के प्रश्न में 2 नंबर दे दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक आपका पूरा कवर होता है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और 4th सेमेस्टर के गणित के अन्य टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।